नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों आज का दिन है 14 मार्च 2022 का। दो दिन के अवकाश के बाद में जो आज लहसुन मंडी में आई हुई है उसकी स्थिति आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। मंडी में किस प्रकार की स्थिति अभी की देखने को मिल रही है, 10:30 बजे तक की स्थिति आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। अनुमानित जो स्थिति हमें देखने को मिली आज की वो आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा सिर्फ। और दोस्तों जानते हैं गेट की क्या स्थिति बन रही है। पहली बार अगर जानकारी आप देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार से रोजाना की अपडेट दलदा मंडी की मिलती रहे। जानते हैं गेट की क्या स्थिति दोस्तों। तो जो आवके पिछले दो दिनों का अवकाश था, जिसके तहत जो मंडी के अंदर आवके मंडी में आई है, वो तो स्थिति पूरी तरह से फुल हो चुकी है। पिछले दिन से शुक्रवार के दिन जो मंडी चालू हुई थी, इससे भी आवक थोड़ी बड़ी है मंडी के अंदर, और बम्पर आवक बढ़िया ठीक ठाक आवक मंडी के अंदर आज देखने को मिल चुकी है। सभी हिस्सों में जिधर भी लहसुन खाली होता है उधर सभी हिस्सों में लहसुन पूरी तरह से भर चुका है। मंडी के अंदर इसमें स्पेस भी देखने को नहीं मिल रहा है और मंडी के गेट भी लग चुके हैं दोस्तों। और अनुमानित स्थिति अगर आपको बताऊं, गेट के पीछे भी वाहनों की स्थिति हमें देखने को मिली है, लेकिन उतने वाहन नहीं, अभी की स्थिति में तो कम ही है। बाकी दोपहर बाद की पूरी स्थिति लेकर आप सभी किसान भाइयों को जानकारी प्रदान करूंगा। लेकिन अभी जो 10:30 बजे की स्थिति हो रही है 14 मार्च 2022 को, तो आज के अभी की स्थिति में मंडी के गेट तो लग चुके हैं, मंडी अंदर भी आवक फुल हो चुकी है दोस्तों। और लेकिन गेट की स्थिति जानकारी जो पीछे वाले गेट पर लगते हैं, लेकिन वाहनों की कतार लगना शुरू हो चुकी है। उतने वाहन नहीं, 10 से 15 या 25 वाहन अभी की स्थिति में हमें देखने को मिले। ज्यादा से ज्यादा 20 वाहन ही अभी की स्थिति में देखने को मिले, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी दोस्तों आपको दोपहर की स्थिति के माध्यम से पूरी जानकारी, वाहनों की अपडेट और मंडी भाव की जानकारी आपको दोपहर के वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। सेवा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्द से जल्द सारी जानकारी देख पाएं।